नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। तीन सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं पिछले 48 घंटों में। दोस्तों, वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक आरपीएफ कांस्टेबल ने जयपुर मुंबई ट्रेन में चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से तीन लोग मुसलमान थे और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की बात कर रहा था, मीडिया की बात कर रहा था। दूसरी घटना हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक टकराव, और तीसरी घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में कावड़ियों को लेकर हुआ विवाद, जिसमें एक पुलिस वाले ने जब एक्शन लिया था तो उसका तबादला कर दिया गया। मगर ये तीनों घटनाएं कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद और सांप्रदायिक टकराव से लेकर जुड़ी हुई हैं। आज एक सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि इस देश की मीडिया ने, इस देश की राजनीतिक संस्कृति ने किस तरह से इस देश को नफरत की तरफ ढकेल दिया है। हमारी नसों में इस कदर जहर भरा जा चुका है कि हर मुद्दे पर टकराव हो रहा है, क्योंकि जो चीज उस ट्रेन के अंदर हुई है वो बहुत ही शॉकिंग है। एक आदमी पहले अपने सीनियर को गोली मारता है जो एक हिंदू है, और उसके बाद ढूंढ ढूंढ कर तीन लोगों को मारता है जिनमें से दो की पहचान मुसलमानों के तौर पर हुई है, और मारने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करता है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस गोदी मीडिया का बहिष्कार क्यों ना किया जाए। हो सकता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, मगर क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि यह गोदी मीडिया इस देश को किस कदर बर्बाद कर रहा है। रोज ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसका मकसद सिर्फ यह है कि समाज में दंगा हो जाए, समाज में नरसंहार हो, और उसके अलावा कुछ नहीं। इनमें से आधे से ज्यादाओं के खिलाफ पुलिस केसेस दर्ज हैं। कोई 100 करोड़ की वसूली करते हुए पकड़ा गया है जिसके चलते वो तिहाड़ जेल में था। किसी के खिलाफ राजस्थान में पुलिस केस है दंगा भड़काने को लेकर। पूरा हुजूम है दंगाइयों का गोदी मीडिया के अंदर। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आखिर कब गोदी मीडिया को बॉयकॉट करेंगे? क्योंकि ये जो तीन सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं पिछले 48 घंटे में, वो हमें आईना दिखा रहे हैं कि यह गोदी मीडिया कर क्या रहा है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, इंडिया, विपक्ष का गठबंधन इंडिया, आखिर विपक्ष का गठबंधन इंडिया कब गोदी मीडिया का बहिष्कार करेगा? याद कीजिए, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी मुख्य धारा के न्यूज चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया था। उन्होंने एएनआई, जो समाचार एजेंसी एएनआई, उनकी संपादक स्मिता प्रकाश को प्लायबल भी बताया था, यानी कि सत्ता के सामने नतमस्तक होने वाला। राहुल गांधी लगातार गोदी मीडिया पर प्रहार करते रहे। इस देश के किसानों ने इस गोदी मीडिया को आईना दिखाया था, और उसी के बाद से इनकी विश्वसनीयता लगातार गिरती गई। मगर आज सवाल गंभीर है। सवाल यह है कि जब विपक्ष में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि गोदी मीडिया सिर्फ समाज में नफरत फैलाता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग बैटिंग करता है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होता है, तो कृपया मेरे इस सवाल का जवाब दें, ये जो विपक्ष के नेता हैं वो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में जाते क्यों हैं? आपके सामने अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने भारत 24 नाम के न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया इत्तेफाकन उस पत्रकार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब इंटरव्यू करती हैं तो कहती हैं आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। यह वो पत्रकार है जो कोई भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दे तो इस कदर भिड़ जाती हैं अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी साबित करने के लिए। और ये वो भारत 24 है जिनके मालिक ने बाकायदा खुलकर कहा था कि हम तो बीजेपी का प्रचार करेंगे। याद है क्या कहा था उन्होंने? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट,
बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट. वी डोंट फील शाय इन दिस. और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें. फिर भी अखिलेश यादव जो हैं इस चैनल में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, क्यों? आखिर अखिलेश यादव जी को ऐसी क्या डेस्पिरेशन है कि इस न्यूज चैनल में उन्हें जाकर इंटरव्यू देना पड़ा? मगर बात सिर्फ अखिलेश यादव तक सीमित नहीं है. कांग्रेस, इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी गोदी मीडिया को पानी पी पी कर गाली देते हैं, मगर इनके अपने नेता क्या करते हैं? जयराम रमेश इंटरव्यू दे रहे हैं ANI को, जिनकी पत्रकार के बारे में राहुल गांधी ने प्लायबल शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं दोस्तों. और ये जयराम रमेश कौन है? कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख. ये पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं ना. क्या इतने नासमझ हैं, ये बात नहीं समझते हैं कि आप बेशक गोदी मीडिया में जाकर, गोदी एजेंसीज में जाकर अपनी बात रखें, मगर इन लोगों ने डिबेट्स को, सवालों को इस तरह से फ्रेम किया होता है कि आखिरकार नुकसान आप ही का होता है, बार बार होता है. जयराम रमेश तो कांग्रेस की मीडिया पॉलिसी के प्रमुख हैं, आखिर आपके प्रवक्ता क्यों इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में जाते हैं? मैं जानता हूं कि कांग्रेस के पास सुप्रिया सुनेत, पवन खेरा, आलोक शर्मा जैसे दिग्गज प्रवक्ता हैं जो डिबेट्स में गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के अधकचरा और इल प्रिपेयर्ड प्रवक्ताओं को उनका स्थान दिखाते हैं. मगर जैसे मैंने कहा ना, ये आप दिल को बहला रहे हैं. ये जो तमाम डिबेट्स होते हैं वो इस तरह से गढ़े जाते हैं, उन्हें इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि बेशक उस डिबेट में जाकर कांग्रेस के नेता उनकी धज्जियां उड़ाते रहें, नुकसान विपक्ष को ही है. आखिर क्या डर है? जयराम रमेश की देखा देखी अधीर रंजन चौधरी वो भी पहुंच गए ANI में इंटरव्यू देने, उसी संपादक को. इत्तेफाकन ANI वो न्यूज एजेंसी है दोस्तों जिस पर यह आरोप लगता रहा है कि कहने को यह समाचार एजेंसी है मगर अक्सर कई बार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, कई बार इस तरह से खबरों को समेटते हैं या खबरों को पेश करते हैं या आप तक खबरें पहुंचाते हैं जिसका मकसद सिर्फ एक होता है कि BJP को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. अब शुक्र है ये न्यूज चैनल नहीं है, ये सिर्फ एजेंसी है, वरना न्यूज चैनल होते तो आप जानते हैं क्या होता है. मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से. एक तरफ आपके नेता राहुल गांधी जो हैं वो अपने ही YouTube चैनल में कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, और गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को अक्सर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में खरी खोटी सुनाते हैं. फिर आपकी क्या मजबूरी है गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में जाने की? क्या वजह है मुझे समझाइए. आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस गोदी मीडिया न्यूज चैनल का एक ही काम है, नफरत का व्यापार. आज इनकी विश्वसनीयता इस कदर खत्म हो गई है कि अब जाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने पड़े हैं. मसलन रिपब्लिक न्यूज का यह संपादक जिसने हाल ही में कहा था कि भाई BJP जो सवाल करती थी निर्भया के मुद्दे पर, अब मणिपुर पर क्यों खामोश है? क्यों कर रहे हैं ऐसा ये लोग? ये लोग ऐसा दिखावे के लिए सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जो विपक्ष के राज्य हैं, जहां पर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, उनसे भी मार्गदर्शन चाहिए, उनकी भी मदद चाहिए. कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इन न्यूज चैनल्स को सिर्फ एक चीज दिखाई देता है और वो है पैसा. इसीलिए आए दिन लगातार ये लोग जहर उगलते रहते हैं. कल न्यूज 18 फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहा था, अंतिम समाधान. इसका जिक्र इससे पहले वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हुआ था जब नाजियों ने यहूदियों को खत्म करने के लिए फाइनल सॉल्यूशन की बात की थी. अब हमारा रेडियो रवांडा भी इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है. फिर भी
विपक्ष जो है यहां पर जाता है, क्यों जाता है, ऐसी क्या मजबूरी है? मैं आपको एक मिसाल बताता हूं दोस्तों, आपसे कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है। जैसे कि आप जानते हैं मैं लगातार गोदी मीडिया के खिलाफ बयान देते रहता हूं, तब मुझे समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कॉल किया था कि भाई आप क्यों कहते हैं, हमें तो जाना होगा, हमें अपना पक्ष रखना होगा, अब उन सज्जन को अपना चेहरा दिखाना है। मगर जैसे मैंने कहा, इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में डिबेट इस तरह से गढ़े जाते हैं कि उससे नुकसान सिर्फ विपक्ष को होता है और उसके जरिए पूरे देश को, क्योंकि ये लोग समाज के अंदर सिर्फ जहर बोते हैं और गोदी मीडिया विपक्ष को खलनायक अपराधी के तौर पर पेश करता है। वरना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं, क्या किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने उनसे सवाल किया कि आप देश के विपक्ष को अपराधी आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि आप विदेशों में जाकर यह कहते हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी? ये कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें विपक्ष को अपराधी करार दिया जाता है और फिर भी विपक्ष बेशर्मी से उन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में बैठ जाता है इंटरव्यू देने के लिए? यह सवाल होगा। एक आंदोलन की जरूरत है जहां इस गोदी मीडिया का बहिष्कार जरूरी है, क्योंकि यह हमारे परिवारों को बर्बाद कर रहा है, हमारे देश के सांप्रदायिक ताने माने को तो तहस नहस कर ही चुका है, अब हमारे परिवार बर्बाद होंगे। क्योंकि अगर एक ब्रेन वॉश्ड आरपीएफ का कांस्टेबल, जो कि जिसका काम है हमारी रक्षा करना, वो ऑटोमेटिक राइफल लेकर गोलीबारी शुरू कर देता है, क्या आपको अंदाजा है कि हम बतौर समाज कहां पहुंच गए और इसमें गोदी मीडिया का क्या किरदार है? और फिर भी विपक्ष बेशर्मी से वहां पर जाकर बैठ जाता है, क्यों? क्यों गोदी मीडिया के डिबेट्स में टीएमसी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठ जाते हैं? आपको अपनी शक्ल दिखाने का ऐसा शौक क्यों है? क्यों? और बताइए अगर मैंने एक भी सवाल यहां पर गलत किया। मुझे परवाह है इस देश की, मुझे परवाह है इस देश के सांप्रदायिक ताने बाने की, और आपको भी होनी चाहिए। सिर्फ चंद मिनट की लोकप्रियता के लिए या चंद मिनट आप जो आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो बैठते हैं 12-13 लोगों को विंडोज बना देते हैं, उनमें से एक छोटी सी शक्ल विपक्ष के एक प्रवक्ता की होती है और उसकी भी लगातार एक घंटे पिटाई होती रहती है, फिर भी आप बेहूदगी के साथ पहुंच जाते हैं। बीमार ये समाज है और कहीं ना कहीं इस बीमारी ने हमारे विपक्ष को भी जकड़ लिया है, मगर क्या ये सुधरेंगे? मुझे लगता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी तो एक ही है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।